नमस्कार आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज जो कि गुरु पूर्णिमा है उसके लिए आप सबको बधाई और आप सबको आशीर्वाद चाहूँगा। जो आज हमने मुद्दा रखा है जो विचार विमर्श का, कि बुजुर्ग लोग और ये कोरोना महामारी और सामाजिक सरोकार, तो जो बुजुर्ग हैं एक तो ये है कि उनके साथ सामाजिक सरोकार जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक बुज़ुर्ग आदमी को या बुज़ुर्ग औरत को इतना अनुभव होता है कि वो समाज में समाज के सरोकार से सीधा सीधा वो जुड़े हुए हैं। उनकी ज़िंदगी जो है, जो उन्होंने जी है, वो सीधी सीधी सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई है। तो इस महामारी ने जो बुज़ुर्गों ने अपने जीवन भर में नहीं देखा होगा लगभग, वो आपको इस महामारी ने अभी दिखा दिया है कि कैसे चीज़ें बदली हैं, कैसे हम जो पहले नमस्ते दूर से हाथ जोड़कर करते थे या दूर से दुआ सलाम करते थे, वो दोबारा से जो है फिर से उसी उसमें हम आ गए हैं। तो ऐसे ही जो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे जो कल्चर है, जो हमारा भारतीय संस्कृति है, उसमें दोबारा से जो है वो चीज़ें दोबारा जो हैं अभी शामिल हो रही हैं, दोबारा उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो फील की जा रही है। जो हमने देखा सरकार अपनी जगह है, लेकिन जो सामाजिक सरोकार हैं, जो हमारी जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका मुकाबला नहीं है वो। अगर हम सरकारें सिर्फ एक माध्यम है, समाज को जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है। अब इसको हम अगर ये समझें कि मान लो कि आपकी कॉलोनी में, आपके गांव में आपके पास कोई मरीज कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, तो उसके साथ आपका व्यवहार, उसके साथ आपका बर्ताव भाव किया, उसको आपने अकेला छोड़ दिया या आपने उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, ये जो चीज़ है इसके लिए आपको कोई सरकार बाध्य नहीं कर सकती है। सरकार उसके लिए कोई आपको मजबूर नहीं कर सकती, कोई कानून नहीं बना सकती। ये सामाजिक सरोकार से आता है, ये आपके अंदर से आता है। जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं वो पहले उन्हें पता है कि वो तो मतलब पहले सिर्फ एक वैद्य जी होते थे, पूरे गांव का इलाज कर लेते थे। तो समाज में एक सोशल कनेक्शन जो था, एक आपस में एक दूसरे का सुख दुख जो हम समझते थे, गांव में किसी को अगर बुखार हो जाता था तो पूरे गांव में जो है वो पता लग जाता था। किसी को बीमारी हो जाती थी, लोग मिलने आते थे, उसकी जो परिवार को संभालने लोग आते थे। अभी ये कोरोना बीमारी है, इसमें ऐसे ऐसे हमने उदाहरण देखे हैं कि लोग जो है किराएदारों को घर से निकाल देते हैं, या जहाँ कोई पॉजिटिव हो गया तो उससे ऐसा बर्ताव करते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है। और वो कोरोना तो आएगा और चला जाएगा, ये तो एक बीमारी की तरह है, तो ये आएगा चला जाएगा। लेकिन जो आपका व्यवहार है, जो आप इस समय सामाजिक सरोकार दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, वो आप उनके जो साथ है वो ज़िंदगी भर रहेगा। तो इसलिए हमें इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम इस समय एक स्टिग्मा ना बनाएं इस चीज़ का
इसको दिमाग में इतना वो ना करें कि हम अपना सामाजिक सरोकार भूल जाएं और इस बीमारी को इतना हावी ना होने दें, इतनी इतना अपने दिलो दिमाग पर, क्योंकि अभी इतने दिन से चल रहा है, तो सारा दिन मीडिया में भी चलता है, सारा दिन इसकी केस रिपोर्टिंग होती है। तो मैं मानता हूँ कि सारे जो हमारे समाज के लोग हैं, सबके दिमाग दिलो दिमाग पर ये छाया हुआ है और इसका डर भी बना हुआ है, लेकिन उसको इतना हावी ना होने दें कि आपके जो अंतरात्मा की आवाज़ है उसको ही वो दबा ले। मदद का हाथ, आप किसके पड़ोस में कोई बीमार होता है तो आप उनकी जो है देखभाल कर सकते हैं, उनके पास आप जो है खाना पहुंचा सकते हैं, बाहर से डोरबेल बजा के आप जो है उसका खाना रख के आ सकते हैं, किसी और चीज़ की ज़रूरत है वो कर सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट उन्हें दे सकते हैं कि बहुत से लोग ठीक हो गए हैं, 99% लगभग जो है केस लगभग ठीक हो जाते हैं, किसी एक दो में जो है जाकर कोई दिक्कत होती है। तो हम सबको मिलकर इस बीमारी से लड़ना है। तो जैसा कि हमारा जो मुद्दा है वो बुज़ुर्गों से रिलेटेड है कि बुज़ुर्ग जो हैं इस बीमारी में ज़्यादा चपेट में आ रहे हैं, जो कि देखा गया है विदेशों में भी और हमारे देश में भी, कि ज़्यादातर लोग जो बुज़ुर्गों में ये बीमारी थोड़ी ज़्यादा घातक साबित होती है, क्योंकि बुज़ुर्गों की थोड़ी इम्यूनिटी कम होती है, उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, तो इस वजह से उनमें इन्फेक्शन जल्दी पकड़ करता है। और इन्फेक्शन होने के बाद, क्योंकि उनमें दूसरी बीमारियां अगर होती हैं, डायबिटीज़ है, आपका ब्लड प्रेशर है, या आपकी जो हार्ट फेलियर है, कैंसर है, दूसरी जो बीमारियां होती हैं, किडनी फेलियर है, तो ऐसी जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों में ये वायरस जो है उनके शरीर पर ज़्यादा हावी हो जाता है और उनको थोड़ी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे लोगों को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। तो एक उम्र जो है, एक उम्र ही जो है इसका एक रिस्क फैक्टर माना गया है, जो स्टडीज हुई हैं उसके हिसाब से, जो अब तक का एक्सपीरियंस है। तो बहुत से लोग जो हैं अभी मेरी जानकारी में भी ऐसे लोग हैं कि वो बुज़ुर्गों में जो है होम आइसोलेशन एडवाइजेबल नहीं है। अगर आपको सिम्टम है, अगर आपको तकलीफ है, और आप टेस्ट कराइए, और उसके बाद अगर आपको उसके बाद आपको अस्पताल में दाखिल होना चाहिए, क्योंकि आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर है, आपको बीपी की तकलीफ़ है, क्योंकि ये जो है हाई रिस्क कैटेगरी में आएगा, तो आपको घर पर रहना उसकी सलाह नहीं दी जाती है। और दूसरा ये है कि जैसे अनलॉक हो गया है अभी, तो अभी सरकार की तरफ से कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन एक एडवाइजरी है अभी भी डॉक्टरों की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी, कि जिनकी उम्र ज़्यादा है वो और जिनको थोड़ी बीमारियां हैं, वो अभी भी अगर पॉसिबल है तो घर पर ही रहें, और अपने वॉलेंटियर्स से, अपने परिवार वाले लोगों से, उनसे अभी मदद लें, और अभी आप बाहर ना निकलें, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक पर या बाज़ार में, जहाँ जितना पॉसिबल हो सके आप घर पर रहें। और दूसरा, इसमें जो लोग होते हैं कि जो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, उनके लिए सलाह है कि वो घर पर ही रहें, और बाय चांस कहीं बाहर निकलना पड़ता है तो उसमें आप मास्क ज़रूर पहने, फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसको ज़रूर फॉलो करें, जो दूरी है वो बनाकर रखें, और हैंड सैनिटाइजेशन और हाइजीन प्रैक्टिस जो हैं उनको फॉलो करते रहें। नाक, मुंह, आंखों पर हाथ बार बार ना लगाएं, किसी भी चीज़ को टच करने के बाद अपने हाथ साबुन से धोएं या हाथ में सैनिटाइजर रखें। तो अभी भी जो है बुज़ुर्गों के लिए खतरा अभी भी बना हुआ है, उन्हें जो है अभी ढील नहीं बरतनी चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, एक छोटी सी लापरवाही जो है पूरे परिवार को खतरे में डाल सकती है। यंग बंदे को अगर होता है तो वो उसका फिर भी जो है घर पर रहकर होम आइसोलेशन से काम चल जाएगा,
लेकिन अगर एक बुज़ुर्ग को होगा तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, तो पूरा परिवार जो है उसमें वो एक खतरे में आ जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अभी सावधानी बरतें। कुछ बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं जिनको कोई आप जो है कुछ छड़ी इस्तेमाल करते हैं या व्हीलचेयर इस्तेमाल करते हैं, या तो ऐसे लोगों की देखभाल करने वालों को जब भी वो उनके पास जाते हैं तो उनके पास मास्क लगा कर जाएं, उनको भी मास्क दें, क्योंकि हो सकता है कि आप में इन्फेक्शन का कोई लक्षण ना हो, आप एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकते हैं, क्योंकि आप बाहर जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं, तो आप इन्फेक्शन कैरी कर सकते हैं और शुरुआत के कुछ दिनों में कोई लक्षण भी नहीं आते हैं, तो वो वायरस का लोड जो है आपके लिए शायद कुछ भी ना करे, लेकिन एक बुज़ुर्ग जो व्यक्ति है घर में उसके लिए वो खतरनाक साबित हो सकता है। तो अभी हम जो है कि बुज़ुर्गों को बच्चों से थोड़ा दूर रहने की सलाह देते हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि बच्चों और बुज़ुर्गों को बहुत आपस में मिलकर रहना चाहिए और वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी के इस कोरोना काल में अभी जो है कि आप सोशली कनेक्टेड रहिए, स्टे कनेक्टेड, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है अभी मेंटेन करिए, और जो ये जो प्रिकॉशन जो है प्रिवेंशन की, वो अभी भी आपको इस्तेमाल करनी है। आप छड़ी वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसको प्रॉपर सैनिटाइज करिए, और उसको छूने के बाद जब आप उसको अपने हाथों को सैनिटाइज करिए। व्हीलचेयर वगैरह कोई इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भी अच्छे से सैनिटाइज करना चाहिए, और जो भी केयर गिवर हैं वो खाना देने आते हैं या कोई जो कुछ बेड रिडन लोग जो होते हैं उनकी केयर गिवर के लिए, देखभाल के लिए लोग होते हैं, उन्हें भी मास्क पहनना चाहिए घर पर भी जब उनकी देखभाल कर रहे हैं, और बुज़ुर्ग व्यक्ति को भी मास्क लगा कर रखना चाहिए उस समय पर। सर्जिकल मास्क जो है वो भी काफ़ी है, आपको ज़रूरी नहीं है कि N95 मास्क आप लगाएं, और जो घर पर अगर आप हैं तो जो है लोग रुमाल से या कपड़े का जो आपका मास्क है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी जो N95 मास्क है वो हॉस्पिटल्स में हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ज़रूरी है, और जो लोग पॉजिटिव होते हैं कि वो उनका इन्फेक्शन दूसरों को ना लगे, उसके लिए ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप N95 मास्क ही आपको लगाना ज़रूरी है, या मतलब कि आप अगर वेंटिलेटर अफोर्ड कर सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेंटिलेटर घर पर ला कर रख लेंगे। तो इसी तरह से हमें एक जो है जुडिशियस यूज करना है संसाधनों का, क्योंकि वो संसाधन जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं, और उन्हें अगर हम आम जनता उन्हें इस्तेमाल करेगी जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं है, तो वो एक वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज जो है, संसाधनों का दुरुपयोग जो है उसे मैं कहूँगा अगर वो किया जाता है। तो आप कपड़े का या जो रुमाल है उसको आप धो सकते हैं साबुन से अच्छी तरह, उसके बाद प्रेस कर सकते हैं या सुखा सकते हैं धूप में, और शहरों में जहाँ धूप नहीं होती है तो वहाँ प्रेस कर सकते हैं उसको अच्छे से। तो इसमें जो है कि यहाँ पर हमें, क्योंकि इतने दिन का लॉकडाउन हो गया और लोग अकेले भी हैं बुज़ुर्ग, तो उसमें हमें ज़रूरी है उनके साथ एक संवाद बनाए रखने की। टेलीफोनिकली आप जो है उनसे कनेक्टेड रहें, आप वीडियो कॉल से कनेक्टेड रहें, जो है उनको अकेला ना फील होने दें, उनकी जो है डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व करें। ऐसा नहीं कि उनको मतलब एक आपने जो है कोने में छोड़ दिया है और उनसे कोई जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं उसमें आप पूछ भर लेंगे तो उससे भी उनको काफ़ी संतुष्टि होती है, और उन्हें सांत्वना देते रहें कि, और उनको एटलीस्ट आप दिन भर का अपडेट भी आप उन्हें दे देते हैं कि आज ये हुआ ये हुआ, तो उससे भी उनको एक कनेक्टेड फील होता है और वो जो है अच्छा फील करते हैं। और मैं यहाँ बुज़ुर्गों से
से भी ये अपील करूँगा कि जो लोग जो एक्टिव हैं, ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद हर जो जो आपका दिमाग है, आपका जो शरीर है, वो बिल्कुल एक्सपायरी डेट का हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो हमने देखा है कि बहुत से बुज़ुर्ग हमारे पास आते हैं, वो बिल्कुल जो है उनमें इतनी एनर्जी होती है कि यंग बंदों से ज़्यादा एनर्जी होती है। तो उन्हें जो है अपने आसपास सामाजिक सरोकार के जो मुद्दे हैं, जो सामाजिक सरोकार है, उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, उसके लिए प्रयास करने चाहिए। तो अभी भी जो है बहुत से लोग आपने देखे हैं कि उनका एक्सपीरियंस इतना होता है, वो कुछ रिटायर्ड नौकरी से होते हैं, रिटायर्ड जो है भाई ऑफिसर्स हैं, या कहीं से भी। आपने अभी प्रधानमंत्री जी ने एक कहानी शेयर की, जो एक कर्नाटक में है, उन्होंने जो है जंगल में वहाँ पर जो है तालाब बना दिए हैं उन्होंने। तो जो सामाजिक सरोकार जो है वो बुज़ुर्गों से अच्छा वो कोई नहीं समझ सकता है। जो नेचर के साथ उनका प्यार है और जो समस्याएं उन्हें उन्होंने झेली हैं अपने समय में, उसके जो समाधान हैं वो उनसे अच्छे किसी के पास नहीं हैं। तो उन्हें जो है उसके लिए, उनके सामने जो भी समस्या आई या वो और समस्या देख रहे हैं कोई समाज में आ रही है, तो उन सब के लिए वो अपना जीवन में एक ध्येय बना लें। जैसे कि अब वो जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, वो एक सिर्फ तालाब बना रहे हैं, तो उन्होंने अपने जीवन में एक लक्ष्य बना लिया। ऐसे अगर हमारे देश में हर कोने में हर बुज़ुर्ग एक एक ऐसा एक सामाजिक सरोकार का मुद्दा लेकर उसके लिए चलना शुरू कर दें। देखिए, जब तक हम जवान होते हैं, जब तक हम नौकरी पेशा में होते हैं, हम बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमारे जो बहुत सी पारिवारिक और सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियां रहती हैं, तो हम समाज की तरफ अपने घर से बाहर जो है बहुत सी बार हम नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे में जब आपने सब अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी कर ली, उसके बाद लोग जो है अपने बच्चे वगैरह सेटल हो गए हैं, अब आपके पास जो समय है उसको आप, जो सोसाइटी ने आपको दिया है, आप सोसाइटी को अपलिफ्टमेंट में, उसके विकास में जो है आप उसे लगा सकते हैं। आप अपने आसपास के क्षेत्र में आपसे जो समस्याएं हैं उनको ठीक कर सकते हैं, उनको उसमें सुधार कर सकते हैं। जो एक्टिव बुज़ुर्ग हैं, जो थोड़ा टेक्नो फ्रेंडली भी हैं, वो अपने दोस्तों से, अपने जो आसपास के लोग हैं उनसे बातें कर सकते हैं, उनको हौसला दे सकते हैं। उनकी आपके आसपास जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनको जो है आप बात करके हिम्मत बढ़ा सकते हैं उनकी, और एक दूसरे से पूछ सकते हैं, उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं है। दिन में एक बार दो बार अपने जो फ्रेंड सर्कल है, बुज़ुर्गों का जो फ्रेंड सर्कल है, क्योंकि आपके जो दोस्त हैं वो बोला जाता है कि वो आपको बूढ़ा नहीं होने देते हैं, वो आपको अपने हम उम्र जो आपके लोग हैं उनसे बात करके एक अलग ही एनर्जी मिलती है। तो आप जो है उनसे आप एक्टिव रहिए, उनसे बात करते रहिए उन लोगों को जो है। और बहुत से लोग, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें एक सरदार जी हैं जो एक कैंसर हॉस्पिटल के बाहर जो है वो फ्री में चाय बनाने की उन्होंने शुरुआत की, उसके बाद लंगर लगाना शुरू किया। तो ऐसे ही बहुत से लोग हैं, जैसे पीजीआई चंडीगढ़ में जिन्हें अभी जो है पुरस्कार भी मिला है, सम्मान मिला है। तो वो पीजीआई चंडीगढ़ के बाहर खाना खिलाते थे मरीजों को। तो ऐसे ऐसे सामाजिक सरोकार के जो इशू हैं उनके साथ आप जुड़ सकते हैं, जिससे आपको जीवन में एक जो आपका रिटायरमेंट के बाद का जो आपके लगभग सारे लक्ष्य जो पूरे हो चुके हैं, बच्चे सेटल हो चुके हैं, सब हो चुका है, तो उसके बाद आपको एक नए टारगेट्स आपको सेट करने हैं, उन्हें अचीव करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ एक्ट
एक्टिव जो है रहें, और आप अपने दिमाग का, अपने जो शरीर का जो है उसको, उसका जो है इस्तेमाल करेंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा। तो अभी जो बुज़ुर्ग जो घर पर हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया लेकिन अभी आपको सलाह नहीं है कि आप बाहर जाएं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने घर पर ही अगर थोड़ी देर खड़े हों, फिर थोड़ी देर बैठ जाएं, जैसे तो खड़े हों जब थक जाएं तो बैठ जाएं, अपने साथ कुर्सी रखें, और सिर्फ ऐसा भी आप अगर कर लेते हैं तो आपके जो पैरों की मसल्स हैं, आपकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल, जो है आपका शरीर पूरा पूरी तरह ढीला नहीं पड़ेगा, और आपको जो हमारे बुज़ुर्गों में जो हड्डियां कमज़ोर होने की जो बीमारी होती है वो नहीं होगी, क्योंकि इतने दिन से आप अंदर ही अंदर हैं, तो आप विटामिन डी की हो सकता है शरीर में कमी हो जाती है, बुज़ुर्गों में हमारे इंडिया में वैसे भी कमी है, तो आप विटामिन डी के सेसे जो हैं वो ले सकते हैं, जिससे आपकी हड्डियां थोड़ी मजबूत रहेंगी। और आप अगर बीपी, शुगर और दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप अपनी दवाइयां अभी बिल्कुल भी ना छोड़ें, दवाइयां रेगुलर लेते रहें। आप अपने डॉक्टर से अभी, अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है तो अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको अभी आप जो है अवॉइड करें, और अपनी दवाइयाँ आप टेली कंसल्टेशन के थ्रू ले सकते हैं, अपने परिवार वालों से मंगवा सकते हैं, क्योंकि अभी के लिए अभी हॉस्पिटल्स में भी इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा है, और अभी आपको बाहर जाना एडवाइजेबल नहीं है, तो आप टेली कंसल्टेशन का जो है उपयोग करें, और अपनी दवाइयाँ लेकिन रेगुलर खाते रहें, और डॉक्टर को अपनी चार्टिंग के हिसाब से आपकी दवाइयाँ ऊपर नीचे की जा सकती हैं। और इसमें मैं आपको ये जो सामाजिक सरोकार की अगर हम बात करें, तो हम जो है कोई भी एक मुद्दा अपने आसपास का उठाकर उसको जो है, आप आजकल हमारी सरकारें जो हैं, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके आप जहाँ भी हैं उसको उठाइए, उनको शुरुआत कीजिए, और कोशिश करिए कि आप सरकार से वो करवा पाएँ, और दूसरा आपके समाज में आप जो है, जो आपकी यंग जो जनरेशन है उसको गाइड कर सकते हैं, उनको जो है समझा सकते हैं, उनसे उनसे भी आप गाइड करके काम करवा सकते हैं जो हमारे सामाजिक मुद्दे हैं। और जैसे कि बहुत सी जो, जैसे कि मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, तो मैंने देखा है कि बहुत सी जो जो समस्याएं हैं उनकी जो जड़ है वो कहीं ना कहीं बुज़ुर्गों में छुपी हुई है। जैसे कि आप दहेज की समस्या है, आपकी जो आप कहें कि बच्चों, जो बेटियों का जो है, जो बेटियां, जो हमारा सेक्स रेशियो कम हुआ, जो हमारा जो आपका पॉपुलेशन कंट्रोल है, तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत सी इसमें जो हमारी इन बुराइयों की, सामाजिक बुराइयों की जड़ है, अगर हमारे बुज़ुर्ग, उन्होंने ज़िंदगी भर जो किया वो किया, लेकिन अभी अगर वो सोच लें, समझ लें, और अभी वो अपनी आवाज़ उठाना शुरू करें, बहुत से लोग जो लोग इन चीज़ों को, इन बुराइयों को बढ़ावा देते हैं, उनको टोकना शुरू करें, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ सारे लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप शुरू करेंगे तो एक जो जेन्युइनिटी होगी जिसकी बातों में, उसको लोग कुछ कभी ना कभी उन चीज़ों को ज़रूर मानेंगे। जैसे कि आपने शूटर दादी जो हैं, दादी चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर जो हैं, दादी बागपत ज़िले से, उन्होंने जो है संघर्ष किया और अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को जो है एक नए मुकाम तक पहुंचाया। तो उस उम्र में भी आप जो है सामाजिक सरोकार की चीज़ें कर सकते हैं,
और इन चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं। अब दहेज की समस्या जो है, अगर उस पर हम बात करें, उसमें अगर बुज़ुर्ग लोग ये ठान लें कि मैं अपने परिवार में, अपनी रिश्तेदारी में अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं अब आगे जो है बिना दहेज की ही शादियां होने दूंगा, और मैं जहां जाऊंगा मैं वहां पर लोगों को कहूंगा कि भाई जो है मैं जो बड़े बड़े दहेज की शादियां हैं मैं उनकी कहीं तारीफ़ नहीं करूंगा, उनको जो है हर जगह कंडेम करूंगा या उनकी निंदा करूंगा, और मैं लोगों को जो नई जनरेशन है उसको कहूंगा कि आप बिना दहेज की शादी करें, मैं उसको प्रमोट करूंगा। तो वो सब चीज़ें अगर हमारे बुज़ुर्ग ठान लें तो वो अब भी अपनी रिटायरमेंट के बाद भी अपने जो वो है उसको वो कर सकते हैं। दूसरा, जैसे जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो घर से अगर शुरुआत करें और जो आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ से शुरुआत करें, तो अब वो ये चीज़ें जो उन्होंने अब अगर अभी भी अगर वो रियलाइज कर लें कि जो हुआ वो जो है हमें इसको नहीं करना चाहिए और अब हमें समाज में सुधार करने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें अभी भी की जा सकती हैं। तो जैसे कि परिवार नियोजन वाली जो बात है, उसमें आप देखेंगे कि जो परिवार की दादी या नानी होती है वही जो है वो परिवार में जो यंग जनरेशन होती है उनको मजबूर करती है कि मुझे 3 बेटियां होगी उसके बाद भी कहेंगी मुझे बेटा चाहिए, तो और पैदा करते रहिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं अगर हमारे बुज़ुर्गों में ये संदेश चला जाए, उनकी जो मेंटेलिटी है अगर वो चेंज हो जाए, तो हमारे सामाजिक सरोकार के लिए एक बहुत ही बड़ा ये काम हो सकता है। वो इन चीज़ों में अभी भी अगर ध्यान देना शुरू करें तो वो बहुत बदलाव ला सकते हैं अपने आगे आने वाली जो बचे हुए साल हैं उनमें प्रयास करके। तो जो अभी क्योंकि कोरोना की ही बात चल रही है, सबको कोरोना के ही बारे में बात करनी है, तो मैं नहीं चाहता कि सारा दिन जो है आप सबके पास इतना ज्ञान अभी हो गया होगा कि आप कोरोना से निपट सकते हैं या जो। तो इसमें बहुत से लोग पूछते हैं कि खाने पीने में क्या खाया जाए, कोरोना के लिए कोई स्पेशल डाइट है क्या? तो मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना के लिए कोई स्पेशल डाइट नहीं है कि कोई कोरोना डाइट है, ऐसा नहीं है। तो आप अपनी खाने में सब्जियाँ और फल जो हैं वो ज़्यादा रखें, खट्टे फल जो हैं जिनमें विटामिन सी होता है वो ज़्यादा रखें, और क्योंकि विटामिन सी से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, तो वैसे ही हमारे शरीर के लिए अगर क्योंकि बुज़ुर्गों में थोड़ा विटामिन डी की कमी होती तो विटामिन डी के वो सेसे भी ले सकते हैं, और एक बैलेंस्ड डाइट जो है वो आप लीजिए। और अगर बहुत से बुज़ुर्गों को भूख कम लगती है तो वो अपने खाने को डिवाइड करके दिन में 6 बार खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, और बहुत से लोगों को लगता है कि कब्ज़ रहती है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, तो उसके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि दिन 3 दिन में अगर एक बार भी आपको मोशंस हो जाते हैं, एक बार पेट साफ़ हो जाता है तो वो आपको नॉर्मल रहता है। अगर आपको आपका कोई वज़न कम नहीं हो रहा है, आपके लैट्रिन में कोई खून नहीं आ रहा है, या आपको कोई दूसरी तकलीफ़ नहीं हो रही है, तो वो आपके लिए एक नॉर्मल चीज़ है, तो उसके लिए ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। तो आप अपनी एक बैलेंस्ड डाइट जो है वो लें, जो आप खाते आ रहे हैं उसी में थोड़ा सब्जियां और फल वगैरह थोड़ा इंक्लूड करें, अलग से ऐसी कोरोना की कोई अलग से डाइट नहीं है, तो उसके पीछे ऐसा कोई भागने की ज़रूरत नहीं है। वो हम भी जो है वही नॉर्मल डाइट ही खा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग से खाते हैं जो डॉक्टर्स लोग हैं या जो जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। अभी देवेंद्र जोशी जी ने पूछा है कि जेरेट्रिक डिपार्टमेंट जो है वो इंडिया में अभी बहुत सी जगहों पर नहीं है, अभी एम्स दिल्ली में है, अगर हम साउथ की बात करें तो चेन्नई में है और ग्वालियर में है, हमारे एक डॉक्टर साहब हैं अभी वहाँ शुरू हुआ है, और बनारस
जो हिंदी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे अभी शुरू हो रहा है, ऋषिकेश एम्स में भी अभी शुरू हो रहा है। तो अभी वैसे सरकार ने बुज़ुर्गों की संख्या को देखते हुए, क्योंकि बुज़ुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है, हमारा देश अभी तो यंग इंडिया है, लेकिन ये धीरे धीरे अगले आने वाले 30 साल में ये ओल्ड इंडिया भी होगा, तो उसकी तैयारियों के हिसाब से अभी सरकार ने कोशिश की है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ बेड जो हैं वो सीनियर सिटीजन्स के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रिजर्व किए हैं। तो ऐसे ही अभी धीरे धीरे जो है एकेडमिक कोर्सेज में जेरियाट्रिक मेडिसिन का जो है एमबीबीएस की पढ़ाई में है, जैसे नर्सिंग के करिकुलम में, तो ये अभी इंक्लूड किया जा रहा है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो इससे पहले लोगों को रियलाइज़ नहीं होता था, देखो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, पॉलिसी मेकिंग में यही होता है, जितनी संख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो उतनी ही उन लोगों के बारे में सोचा जाएगा, जो लोग उसके लिए डिमांड करेंगे तो फिर उनके बारे में सोचा जाएगा। तो अभी जो है आप जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए सामाजिक सरोकार में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो अपने आसपास अपने डिस्ट्रिक्ट में अगर आप एक्टिव हैं तो आप कोशिश करिए कि आप अपने साथियों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए डे केयर सेंटर्स आप बनवा सकते हैं, जिसमें वो आकर जो है अपना कुछ मनोरंजन की एक्टिविटी कर सकें, दिन में उनका टाइम पास हो सके, और लाइब्रेरी आप बना सकते हैं अपने आसपास जहाँ भी जिस क्षेत्र में रहते हैं। हॉस्पिटल्स में आप कोशिश कर सकते हैं कि सरकार अधिकारियों से मिलकर आप जो है वहाँ अस्पतालों में बुज़ुर्गों के लिए अलग से लाइन जो है होना, अलग से वार्ड होना, और वो चीज़ें फॉलो भी हों, और धीरे धीरे वहाँ पर जो है स्पेशलिस्ट भी अपॉइंट किए जाएं जो बुज़ुर्गों के लिए अलग से हों। अब बुज़ुर्गों के इस डिपार्टमेंट की ज़रूरत क्यों है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि विदेशों में तो इसकी एक्सेप्टेंस है, अभी हमारे देश में इतनी नहीं है। तो उसके लिए यही है कि जो अभी स्पेशलिस्ट का ज़माना है वैसे तो, जैसे कि किसी को अगर न्यूरो की दिक्कत है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन जो एक होलिस्टिक केयर है, एक बुज़ुर्ग की जो सारी समस्या, एक उसके शरीर, एक उसको एज ए होल पूरा एक बुज़ुर्ग की तरह पूरा उसको देखना, उसकी क्या क्या और समस्याएं, एक समस्या से दूसरी समस्या होती है, तो ये सब उनको एक ही डॉक्टर अगर देख पाए, अगर कहीं इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो दूसरे स्पेशलिस्ट की हेल्प ली जाए, और एक उनको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बेनिफिट हो सके, उसके लिए जेरेटिक मेडिसिन की ज़रूरत है, कि उन्हें एक जो है स्पेशलिस्ट जो है बुज़ुर्गों के लिए ही स्पेशलिस्ट जो उनकी समस्याओं के बारे में पढ़ाए पढ़े और उन समस्याओं को पढ़कर जो है उनके इलाज जो है वो अच्छे से कर पाए, जैसे बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं, क्योंकि बच्चों में समस्याएं जो हैं वो थोड़ी अलग होती हैं, इसी तरह बुज़ुर्गों के लिए भी थोड़ा जो है स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। जी कुलदीप शर्मा जी पूछ रहे हैं कि जैसा कि आंकड़ों में बता रहे हैं वायरस बच्चों और बुज़ुर्गों पर अधिक प्रभाव डाल रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बच्चों पर तो इसका इतना ज़्यादा असर नहीं है, लेकिन हाँ बुज़ुर्गों पे इसका असर बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्शन भी ज़्यादा होता है, और उसके बाद होने के बाद जो है उसमें तकलीफ़ भी ज़्यादा जो है उसमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट या आईसीयू रिक्वायरमेंट जो है बुज़ुर्गों में ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप ये देखें कि इसमें सावधानी सबको रखनी है, क्योंकि आप उस अगर आपको अगर इन्फेक्शन होता है तो आपके परिवार में दूसरे लोगों को भी हो सकता है। तो इसमें हम जो कहना चाह रहे हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं तो आप सीधे ही आते ही उनसे ना मिलें, आप जब उनके पास जाएं तो मास्क लगा कर जाएं, उनको खाना वगैरह जो है उनको थोड़ा आइसोलेशन में रखें, जिससे कि उनको इन्फेक्शन कम हो, आपसे उनको इन्फेक्शन ना हो। और क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं अब तो हमारे देश में ही बहुत सारे केस हो गए हैं, तो अभी हमारा शुरुआत में जो जितना डर था, डॉक्टरों में भी डर था या जो आम जनता में भी डर था दूसरे देशों की रिपोर्ट्स देखकर,
अभी धीरे धीरे वो डर कम हो रहा है, लेकिन हमें जो है सावधानी अभी भी बरतनी है, लापरवाही नहीं करनी है। आंकड़ों में तो देखिए कि आंकड़ों में तो जैसे कि मैं कहूँ कि दिल्ली में मान लो 35 डेथ्स हुई एक दिन में, तो दिल्ली में तो सिर्फ आंकड़ा है, वो एक छोटा सा आंकड़ा लगेगा कि 35 तो क्या है, लेकिन जिस वो 35 परिवारों के बारे में अगर सोचेंगे तो उनका तो पूरा पूरा परिवार जो है पूरे पूरे परिवार को जो है बहुत नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए जो, क्योंकि जो बोलते हैं ना कि मतलब दुनिया के लिए आप सिर्फ एक व्यक्ति हैं, सरकार के लिए सिर्फ आप एक आंकड़ा हैं, लेकिन आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया हैं। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप सावधानी रखिए, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए, उनका सम्मान कीजिए, और आपके आसपास जो आपके परिवारों वालों को जो आपके आसपास यार दोस्तों में जो फैमिली फ्रेंड्स में उनका हालचाल लेते रहिए। बहुत से लोग अभी बताते नहीं हैं और पूरी प्रॉब्लम को झेलते रहते हैं, तो ऐसे लोगों से बातचीत करते रहिए आपस में, एक दूसरे का जो है ख्याल रखिए, सोशली कनेक्टेड रहिए, इमोशनली एक दूसरे को स्ट्रेंथ दीजिए, क्योंकि इस दौर में नौकरियां भी जा रही हैं, फाइनेंशियली भी लोगों को दिक्कत हो रही है, तो ऐसे दौर में हमें जो है एक दूसरे का हाथ थामने की ज़रूरत है। यहाँ बुज़ुर्गों को परिवार में समझाने की ज़रूरत है, परिवार के बच्चों को समझाने की ज़रूरत है कि पेशेंस रखें, धैर्य रखें, ये वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि उनका इतना अनुभव है, उन्होंने इतनी चीज़ें देखी हैं, मुफलिसी भी देखी है, गरीबी भी देखी होगी, तो वो लोग जो हैं इन जो जवान लोग हैं यंग जनरेशन के साथ अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, उन्हें हिम्मत दे सकते हैं और उनकी मेंटल हेल्थ को भी वो इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको सहारा देकर, इमोशनल सपोर्ट देकर। तो देवेंद्र जोशी जी ने पूछा है कि बुज़ुर्ग को हम आइसोलेशन में क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो है वो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं एज जो है, और उसके साथ अगर आपको बीमारियां भी हैं तो फिर आप थोड़ा और ज़्यादा रिस्क में होते हैं, तो आपको तकलीफ़ जो है पड़ सकती है, तो इस वजह से आपको डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में ही रहना चाहिए, आपको बुज़ुर्ग लोगों को होम आइसोलेशन में नहीं रहना चाहिए। तो अभी हम कमेंट बॉक्स में आपका जो हमारे यहाँ एम्स में टेली कंसल्टेशन सर्विस जो चल रही है, तो उसके बारे में आपका वो नंबर हमारा जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। पहली विजिट जो है वैसे फिजिकल विजिट होती है, तो आप अपने आसपास जो है किसी भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं, जो हमारे फॉलोअप पेशेंट्स हैं उनके लिए हमने अभी हम शुरू कर रहे हैं, और हमारे एम्स में 3 महीने की दवाई जो है, जो बीपी शुगर या दूसरी जो बीमारियों के लोग जो आते हैं उन्हें एक बार में 3 महीने की दवाई दे रहे हैं, वो भी अपने किसी रिश्तेदार को, किसी हेल्दी वॉलंटियर को भेजकर वो मंगवा सकते हैं, जो फॉलोअप पेशेंट्स हैं। अभी धीरे धीरे हम नए जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे उनके लिए भी जो है अस्पताल के जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराएं, लेकिन जो लोग जिनको इमरजेंसी नहीं है अभी, मेरे ख्याल से अभी ओपीडी के लिए उन्हें अगर वो इंतज़ार कर सकते हैं तो करना चाहिए, और जहाँ कहीं भी किसी को भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं वहीं से अपना ट्रीटमेंट जो है कंटिन्यू करना चाहिए, दवाइयाँ नहीं छोड़नी चाहिए। तो एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहिए, एक दूसरे को हिम्मत देते रहिए, जान है तो जहान है, लेकिन उसके साथ ही अभी हमें जो है, अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जान भी और जहान भी, तो हमें अपना काम भी करना है लेकिन अपनी रक्षा भी करनी है, तो उसमें 3 ही चीज़ हैं अभी, कोई वैक्सीन आएगी नहीं आएगी उस पे डिपेंडेंट हम नहीं रहें, हम जो है 3 ही चीज़ें हैं, मास्क लगा कर रखें, जहाँ कहीं जाएं तो फिजिकल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन रखें, और हैंड हाइजीन फॉलो करते रहें। ये 3 ही चीज़ें अगर आप करेंगे, जैसे मैं भी इतने दिन से ड्यूटी पर जा रहा हूँ और घर भी आ रहा हूँ, तो
उसमें अभी तक आप सबकी दुआ से अभी तक तो मैं चपेट में नहीं आया हूँ। तो और भी हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी तक बिल्कुल बचे हुए हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई है और अपना काम भी निरंतर कर रहे हैं, ड्यूटी पर हैं, लेकिन बहुत से हमारे साथी चपेट में भी आ गए हैं। तो उसमें हम जो है और थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है। जहाँ कहीं भी हम काम करते हैं तो वहाँ पर साथ में बैठकर खाना ना खाएं, चाय वगैरह ना पिएं, साथ बैठकर बातचीत ना करें, गप ना करें, क्योंकि आपको अगर कोरोना होगा तो वो आपके किसी दोस्त से ही होगा, क्योंकि वहाँ पर आप थोड़ी लापरवाह हो जाएंगे और आप सोचेंगे इसको तो इससे थोड़े ना मुझे होगा, तो वहीं से आपको ये हो सकता है। तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से फॉलो करें और इसमें कोई भी कोताही ना बरतें। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करें और उनकी देखभाल करें, और बुज़ुर्गों से ये कहना चाहूँगा कि वो जो है सामाजिक सरोकार के जो मुद्दे हैं उन पे लगातार कार्य करते रहें। एक केपी सिंह जी हैं हमारे सीनियर हैं, वो इतना अच्छा काम करते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो पता नहीं उनके उनको इतनी एनर्जी मिली कहाँ से, मिलती कहाँ से है कि वो जवान लोगों से ज़्यादा काम कर रहे हैं सामाजिक सरोकार के। तो ऐसे ही आप भी कोई भी अपने आसपास के मुद्दे उठाकर आप भी उसमें इन्वॉल्व रहिए, तो आप में एक एनर्जी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपको कुछ टारगेट्स रहेंगे तो वो आप सब जो है उसको मिलकर कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि आपकी एक छोटी सी पहल जो है लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो आप निरंतर जो है वो प्रयास करते रहिए और हमारे जैसे जूनियर्स को गाइड करते रहिए, और इस सब के साथ ही आप सबकी बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए, गुरु पूर्णिमा की बधाई देते हुए आप सबसे विदा लेते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।